लैब क्लैब के बारे में क्या कहना है? ये कहना है कि जिस तरीके से आप जो भी कर रहे हो, लाइक आई हैव सीन योर वीडियोस एंड आई हैव सीन व्हाटएवर वर्क यू आर डूइंग, आई एम गेटिंग इंस्पायर्ड बाय दैट. सो कीप डूइंग दैट एंड कीप इंस्पायरिंग एंड ऑल द बेस्ट. एंड ऑल द बेस्ट. यस. एंड व्हाट आर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आने वाले सब? अब दुबई में भी शूटिंग हुई थी आई गेस. अपकमिंग प्रोजेक्ट्स ऐसे बताओ तो अच्छा नहीं रहता है, वो आए सरप्राइज तो ही मजा आता है. बट अभी रिसेंटली काफ़ी हो गया. अरे सरप्राइज ही बेटर. बिग बॉस में एक्चुअली सच बोलूँ तो इस बार मैं बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहा, पर मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी उसके क्लिप्स देखता रहता हूँ, तो मुझे उससे थोड़ा बहुत आइडिया है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. तो सबका फेवरेट जैसे अब्दू रोजिक चल रहा है, तो उनके साथ में यस उनके साथ में वीडियो भी बनाया था, तो हमको उनके वो क्लिप्स आते रहते हैं. चालाक ग्रो, वेरी चालाक ग्रो करके जो आ रहा है, गुड फन. या देर आर फ्यू थिंग्स बट वी विल कीप इट सीक्रेट बिकॉज वो बेटर रहता है, ट्रस्ट मी. अगर मैं आपको अभी से बता दूंगा फिर वो डीले होते जाएगा, फिर उसका मजा मर जाएगा. इट्स बेटर. या लेट्स टॉक अबाउट क्लैप क्लैप. लेट्स फोकस ऑन दैट एंड कांग्रेचुलेट करिश्मा एंड विश हर अ वेरी हैप्पी बर्थडे. यस, ऑल द बेस्ट एंड कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग. थैंक यू. थैंक यू सो मच. सम विजुअल्स पहले तो थैंक यू सो मच फॉर द विजन. और दूसरा तो पूरा दिन मेरा इसमें ही गया है, मतलब इसकी ऑर्गेनाइजेशन में और प्लानिंग में चला गया है, तो काफ़ी मज़ा आया मुझे. मुझे बहुत पसंद है कि मैं अपने बर्थडे पे काम करूँ, सो आज तो काफ़ी मज़ा आया मुझे. ग्रेट गिफ्ट. एंड क्लैप क्लैप एक डिजिटल मैगजीन होगी जिसपे हर महीने कवर होगा और उस कवर के अराउंड कंटेंट होने वाला है. तो इस बार मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पर होगा कवर और कौन होने वाला है कवर पे. इन सम टाइम वो रिवील हो जाएगा. यस, तो हर महीने कुछ ना कुछ अलग कंटेंट आने वाला है कवर के हिसाब से. जैन में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सेलेब्रिटीज होने वाले हैं. मैं बता नहीं सकती हूँ कि कौन होने वाला है, बट वील हैव टू वेट. और इसमें होगा ब्यूटी, फैशन, लाइफस्टाइल, सेलिब्रिटीज, ट्रैवल और बहुत कुछ. तो क्लैप क्लैप अलग क्यों है? क्लैप क्लैप अलग इसलिए है क्योंकि हम कोलैबोरेशन के थ्रू कंटेंट बनाने वाले हैं. तो यूजली पब्लिकेशन में क्या होता है कि थोड़े इंटरनल लोग होते हैं जो कंटेंट बनाते हैं, बट यहाँ पर हम दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स और सेलिब्रिटीज़ को अलग अलग एक्सपीरियंसेस के लिए भेजते हैं एंड वी वॉन्ट टू मेक देयर ड्रीम्स कम ट्रू. सो दिस क्लैप क्लैप इज एक्चुअली अ सेलिब्रेशन ऑफ सेलिब्रिटीज़ एंड क्रिएटर्स. और अगर उनके पास कोई ड्रीम है कि मुझे फीफा जाना है या मुझे यू नो विंबलडन के लिए जाना है या मुझे कहीं पे भी कोई रस के कॉन्सर्ट के लिए जाना है या पोस्ट मलो के कॉन्सर्ट के लिए जाना है, दैट्स माई ड्रीम, तो हम उसको सपना साकार करने वाले हैं. Firstly, I am very excited and congratulations for Clap Clap because I know how much of hard work she's put in for this. And yeah, I'm very happy and I really want to see what Clap Clap has to offer all of us. It's a very big day and I like how it's come in the perfect month because हमें सब पता है कि December सबसे exciting month होता है of the year and it's her birthday and it's the launch of the magazine and it's the winter season and it's Christmas, so it's great. So firstly a big congratulations to Karishma because already before its grand launch party also it's doing such great work, amazing work, and aaj Karishma ka birthday bhi hai, so both the things. And I think Clap Clap is in for big big things. बिल्कुल. मैंने तो हक से बोला बिकॉज फॉर मी करिश्मा इज वेरी वेरी क्लोज टू मी एंड इवन इफ आई डोंट से मुझे मालूम है वो होने ही वाला है, तो मैंने तो हक से बोल दिया कि देख मेरे को भी फुल आर्टिकल वार्टिकल चाहिए, नहीं तो आपकी दोस्ती खत्म. सो रिसर्च करने का प्रोसेस मैं बताऊँ तो इट्स देयर इज नो शॉर्टकट, इज नो सिल्वर बुलेट. आई एम रीडिंग ऑल द टाइम. आप अगर मेरा बेचारे लैपटॉप को खोलोगे ना, देर आर सेवन विंडोज ईच विद लाइक 50 टैब्स ईच, एंड वो मैं बंद करने की कोशिश करती हूँ बट आई ओपन न्यू वन. सो इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ऐसे कोई डेली ये नहीं.
अभी अभी के वीडियो के लिए काम प्रॉबेबली 3-4 महीने से शुरू हुआ होगा विदाउट एन एंड रिजल्ट. एक्चुअली व्हेन माय वीडियो वेंट वायरल फॉर द फर्स्ट टाइम माई इनिशियल गोल वॉज दैट पीपल डोंट ओनली रिमेंबर मी फॉर दैट वन वीडियो. सो द स्ट्रगल वॉज टू मेक कॉन्टेंट दैट पीपल विल रिमेंबर मी फॉर मल्टीपल थिंग्स. So that's what I'm doing from last 2 years and been trying to push the boundaries a little bit, making a little more fun content, not doing the same thing but trying to add some new things to it and entertaining the audience at the same time, giving them what they want but also pushing the boundaries. So I think next year also I'll be doing the same. Probably I'll come with some originals. Anything coming up with Shehnaz, because that one video went so yeah. much of viral. After that people are I have already said it now. But yeah, she's fun, yeah. And I love you the show. A word with Clap Clap magazine team. Put my article also in that. Not yet, I'm here for that only. You will do? Yeah, I'll do that. Okay. And any upcoming videos? Because you make, in 1 month you make one video. Yeah, yeah. And people want to see more every of it. Week, every yeah, week yeah, I know. See, what I do is I try to maintain the quality. Yeah. If I keep on putting a video every month, no, quality kharab ho jayega. I've seen other creators do that. Yes. It's very cringe worthy to see that. Yaar, isko to aata tha kaam, isse kyun kar raha hai. So, but yeah, so maintaining the number of videos also and the quality also. So before the year ends, I might put something very interesting. Okay, yes, all the best for 2020. Thank you so much. Haan, wishes to hai, kyunki clap clap. क्लैपकैप के साथ हम लोग में एक बेस्ट चीज़ हुआ है कि हम लोग सिंगापुर गए उनके साथ और मैं ऑस्ट्रेलिया पे गया उनके साथ. हाँ, और सो लाइक वी आर रियली होपिंग कि अभी ये जो क्लैप क्लैप चालू हुआ है लाइक दे गेट सो मेनी अपॉर्चुनिटीज ओपन होते हैं एंड दे ऑल्सो कवर सो मेनी थिंग्स विच वी आर नॉट एबल टू नो हर जगह तो कोई जा नहीं सकता. सो इट्स वेरी नाइस ऑफ देम कि और ऐसे ही हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती रहे थ्रू क्लैप क्लैप. और हम और क्लैप क्लैप का जो भी व्यवहार बिजनेस है सब बढ़ता जाए. एंड वी आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड फॉर द मैगजीन कि किस तरीके से वो लोग सोशल लाइफ सब कवर करने वाले हैं. एंड ऑल्सो करिश्मा का आज बर्थडे भी है. हैप्पी बर्थडे करिश्मा. यस, हैप्पी बर्थडे करिश्मा. व्हाट अ गुड डे टू लॉन्च क्लैप क्लैप. सो आई थिंक क्लैप क्लैप आई हैव हैड द प्रिविलेज टू वर्क विद देम एंड आई थिंक दे आर अमेजिंग ग्रुप ऑफ यंग एंथुसियास्टिक इंडिविजुअल्स एंड आई वुड लाइक टू विश देम ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई थिंक दे गोना डू वेरी वेरी वेल. आई थिंक इट्स रियली बूमिंग. डिजिटल मार्केटिंग इज समथिंग 2 decades बैक वी वुडन्ट इवन नो वाज अ प्रोफेशन दैट एग्जिस्टेड. And today it's such a big thing. So it's very interesting how this profession has evolved and how it's booming. Clap Clap, I think all the magazines are so great and it's one of the good magazines and you know, I'm so happy that our soul Karish, she is doing it and I'm so happy for her venture into it. Well, how do you see the digital platform nowadays? It's amazing. It's amazing because jitna digitally jitna wide ho gaya hai abhi pura world everybody knows what content is being made where, you know, sab itna zyada aware ho gaye hain. So I think this is generation next and many more moves are gonna come more. 2022 एंड हो रहा है, 2023 की शुरुआत है. 2022 काफ़ी अच्छा आपका गया था एज एन प्रोजेक्ट वाइज. थैंक यू. 2023 की किस तरह के प्रोजेक्ट की शुरुआत होने वाली है? किस तरह की प्रोजेक्ट की शुरुआत होने वाली है? देखो, जब प्रोजेक्ट्स आएंगे तो जब अनाउंसमेंट होगी दैट विल बी द बेस्ट थिंग आई थिंक. एंड एज ऑफ नाउ आई एम एंजॉइंग व्हाट आई हैव डन टिल नाउ एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई हैव गॉट यू नो बीइंग लव्ड बाय सो मेनी पीपल थ्रू माय प्रोजेक्ट्स एंड देयर इज लॉट मोर टू कम. 2023 विल बी अ ग्रेट ईयर आई थिंक. नहीं फॉलो कर पाती मैं हर बार यही पूछ लूँ कैसे पूछ लेते हो. कुछ आपने देखा रहेगा लास्ट ईयर आप घर में इसके लिए पूछ लूँ. नहीं यार नहीं देखा है एंड आई एम जस्ट ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन. आर यू मिसिंग दैट हाउस? आई एम मिसिंग दैट हाउस. दैट्स एन एक्सपीरियंस. बिग बॉस इज एन एक्सपीरियंस. आई
कहते हैं, जिसको मौका मिलता है एक बार चले जाना चाहिए. जस्ट बी हाउ यू वांट टू बी, यू नो, ज़्यादा प्रेशर लेके नहीं जाना चाहिए. दैट्स व्हाट आई मीन, हाउ आई लव्ड बीइंग देयर. आई लव मीटिंग सलमान खान देयर एंड सम ग्रेट, यू नो, उनसे जब मेरा इंटरेक्शन हुआ था सलमान जी से, सम ग्रेट थॉट्स वी शेयर्ड, ही शेयर टू मी, यू नो, अबाउट एवरीथिंग, अबाउट द वर्क. So I'm so glad that I met that person there in Big Boss House. I'm just focused towards my work, only work, only work, no side work. It's a great initiative by Karishma, and this is her own thing. So I really wish her lots of success. And because the thing is, she has a lot of experience and she's very talented also. So this is, I think this is just the beginning. She will go far. Did you add a word with printing of any article about this? This year was very great. कोई भी ऐसा article अगर printing करना हो आपकी बातचीत magazine में. Of course, my next film. Which film? अभी नहीं, थोड़ा करो इंतजार. इसके अलावा digital life के बारे में क्या कहना चाहोगे? How will you feel the digital life? वो काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं एंड बहुत चीज़ें अब डिजिटली हो चुकी हैं. वेदर बाई माई फर्स्ट फिल्म केम ऑन डिजिटल, तो दैट वॉज लाइक अ ग्रेट, दिस इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज नाउ, दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म. आई गॉट माई फर्स्ट लीड फिल्म ऑन OTT ऑन डिज़नी प्लस. तो आई थिंक फॉर एवरी वन दिस इज अ टाइम वेयर दे कैन ग्रो टुगेदर एंड दे कैन बी कनेक्टेड एंड इट्स वेरी इजी टू रीच ईच अदर्स. लाइक टैलेंट एक दूसरे को मिल सकते हो, आप प्रोड्यूसर से मिल सकते हो, बात कर सकते हो. तो वी आर कनेक्टेड नाउ, इट्स अ क्लोज नेट नाउ. वो डिजिटल थी उस पर, वही फर्स्ट फिल्म मेरी OTT पे आई, उसी पे ही मुझे फर्स्ट एज हीरो मुझे इंट्रोड्यूस करा बदल सर ने. एंड ये OTT से डिजिटल ही हुआ है सर. नए साल की शुरुआत होने वाली, क्या कुछ है? मैंने अभी जस्ट म्यूजिक वीडियो करी है दूरिया, इट्स अ रोमांटिक म्यूजिक वीडियो जो हमने शिमला में शूट हुआ है, शूट किया है, जो बहुत जल्दी रिलीज होगा. बहुत ही अलग वाइब है और कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं जो हम न्यूएस पे अनाउंस करेंगे एंड वो आपको बहुत जल्दी पता चलेगा. डिजिटल मैगजीन क्लैप क्लैप की शुरुआत हो रही है, किस तरह से देखते हैं क्लैप क्लैप? आई वुड तो बस ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा, बिकॉज डिजिटल इज़ वेरी बिग, इट्स ह्यूज. पीपल लाइक मी हैव ग्रोन इन द डिजिटल मार्केट and you know, to have a digital magazine, one more avenue, is always helpful, is always beneficial, and they recognize people who are doing well digitally. And you know, it's very important for people like us who've come up from here. So I feel very happy when such things happen, and I wish them all the very best. And I hope this magazine does really, really well for all the digital creators, for digital actors, and everyone who's doing anything and everything on digital. When the word digital comes, which are the three series that comes in your mind of yours? Ek to Sacred Games, because usse start hua tha. Ek Family Man, because mujhe Family Man bahut pasand hai. और एक recently मैं अभी just Khaki देख रहा था. Yes, yes. It's really nice. So I feel Indian context में digital में, ये western context में तो अभी मतलब मैं कितने ही नाम लूँ काफ़ी पढ़ेंगे. बट मेरा सवाल ऐसा था कि आपके कोई एक फेवरेट, जो आपके फेवरेट है, विच यू हैव बीन एक्टर, विच यू हैव आई हैव बीन पार्ट ऑफ, दैट इज गोना रिलीज. ओके, इट इज कॉल्ड -1. इट इज गोना कम आउट ऑन लायंस गेट ऑन 14th Feb. सो वो आने वाला है वेरी सून. कैन वी सी यू एंड बरका? और मेरा नहीं है, ये इसमें आयशा है. So I'm really happy about that. It's a so you all will get to know more about it. Also my film Kacche Limbu, वो भी डिजिटल पे ही रिलीज होने वाली है. So दोनों ये चीज़ें हैं जो रिलीज होंगी डिजिटली इन द नेक्स्ट ईयर, विच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट. सो या सीजन 4 आने वाला है. अरे ये सब अभी आज ही सब सारे सीक्रेट आज ही ले लो मेरे से. I think it will be a wonderful space to see every creator, whatever every creator is up to,
on Clap Clap's magazine. I think it would be amazing to have all the updates on. I think the best part is Karishma is doing it, so yes, we're very excited. I think the best person is handling it for us. That's the reason we are here. Digital se hamara start hua tha sab kuch and wahi se sari thodi bahut jitni hai fame wahi se mili hai. So I think that's the main thing, and we are very grateful जो भी हमें डिजिटल सोशल मीडिया ने दिया है. सो आई थिंक हमारे लिए तो सोशल मीडिया इज एवरीथिंग. सो राइट नाउ इज क्लैप क्लैप डेफिनेटली, एंड सेकंड आई विल से डैफैम. सो गाइस, आर यू फॉलोइंग बिग बॉस? बिग बॉस देख पा रहे हो? मैं नहीं देख पा रहा हूँ. बीच बीच में थोड़ा मैं भी मतलब इनके साथ ही देखता हूँ. हमें से आशीष बहुत अपडेटेड है, बट हाँ जब वो बताती रहती तो मैं देखता रहता. क्या कुछ ये सीजन के बारे में क्या कुछ? आई थिंक ये सीजन में मैंने जितना भी देखा है सबने अब्दू की बात किया है. वेरी क्यूट. सो आई थिंक क्या नहीं नहीं आई लव टू मीट हिम. नहीं मैं फॉलो नहीं, सेम आशी जब भी बताती है हमें हमें मैं बीच बीच में बता थोड़ा थोड़ा. सॉन्ग नहीं आ रहा है बट और बहुत चीज़ें आ रही हैं, एंड वो अगर आपको पता करनी है तो हमारे यूट्यूब पे आप देख सकते हो, बिकॉज वहाँ पे हम सारी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं. बट काफ़ी कुछ आ रहा है, काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं इन आपको पता लग जाएगा. आई थिंक सेम आई थिंक करिश्मा ने बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा नेम बना दिया है, एंड इट्स वेरी फैसिनेटिंग एंड फन टू सी सो मेनी क्रिएटर्स अंडर वन रूफ एट सच इवेंट्स लाइक टुडे क्लैप क्लैप जो का जो इवेंट है. सो आई थिंक बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है टू सी वेयर दिस गोज, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट. सो वी नो करिश्मा काफ़ी पहले मतलब पुराने टाइम से, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर. और जो भी चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है. अभी हम यहाँ पे इवेंट पे भी आए हैं, देख रहे हैं कितने बड़े स्केल पे इन्होंने मतलब लॉन्च पार्टी रखी है, जो भी सीन है. सो आई वुड लाइक टू से ऑल द बेस्ट टू करिश्मा, एंड लेट्स सी वेयर इट गोस. प्लेटफॉर्म्स तो हमारे लिए सब कुछ ही है, बिकॉज इट्स आवर करियर, इट्स आवर प्रोफेशन, एंड आई थिंक इट्स ब्रिलियंट जिस वे से हमने इसको ग्रोथ देखा, बिकॉज हमने इसको 5-6 साल पहले से देखते आ रहे हैं. फ्रॉम इट बींग हियर टू नाउ हियर, आई थिंक सोशल मीडिया इज गोना बी द नेक्स्ट बिग थिंग, एंड आई एम सो हैप्पी दैट वी आर गोना बी देयर, एंड वी हैव सीन दैट ग्राफ जो एक यहाँ से यहाँ गया सोशल मीडिया इन प्लेटफॉर्म्स का. सो आई थिंक इट्स एवरी थिंग फॉर अस. तो मैं रोज़ देख रही हूँ. मैं कुछ भी करूँ मैं सोने से पहले 1 घंटा देख के सोती हूँ. बट आई थिंक इट्स वेरी एंटरटेनिंग, एंड इट्स आई जस्ट सेड इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सीजन सो फार, मतलब टॉप 5 सीजन में से. आई रियली लव इट, इट्स वेरी एंटरटेनिंग. इतनी इज्जत देने के लिए आई फील डिजिटल, ऑब्वियसली डिजिटल, सब कुछ डिजिटल जा चुका है, और हमें खुद को भी पता है हम अपना डेली कितना दिन फ़ोन में गुजारते हैं, और फ़ोन में हमें एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन ही चाहिए ऑल द टाइम. तो आई थिंक क्लैप क्लैप कॉन्ग्रेचुलेशन पूरी टीम को और करिश्मा को सबको, और बहुत बढ़िया कर रहे हैं और इनका काम भी बहुत अच्छा है. दे नो एवरीथिंग अबाउट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, सो इट्स गुड टू गेट न्यूज़ और अपडेट फ्रॉम द समवन हु हैज नॉलेज अबाउट इट. सो या क्या आपके आर्टिकल्स आ पाएंगे डिजिटल लॉकअप विनर? नाउ द पीपल वांट टू नो यू मोर अबाउट इट डिजिटल. हाउ डू यू सी द डिजिटल लाइफ? मैं कोशिश करूँगा मेरा जो काम हो वो न्यूज़ में रहे. मैं न्यूज़ में ना रहूँ, तो बस जो काम है आने वाले ईयर में, ये तो दिसंबर है और नेक्स्ट ईयर में बहुत सारा काम प्लान है, और बहुत बढ़िया काम प्लान है, और एक स्टेप आगे ही जा रहे, एक स्टेप ऊपर ही जा रहे. सो आई एम ग्लैड एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं जिस चीज़ पर काम कर रहा हूँ वो ऑडियंस को डेफिनेटली पसंद आएगा. आई एम वेरी श्योर अबाउट इट. ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, बट ऑडियंस का बंदा हो तो मुझे पता है ऑडियंस को क्या पसंद है. 2022 की मैं बात करूँ, शुरुआत डॉक्टर से हुई थी, हाँ, एंड होते होते एक गाना भी आया आपका, बहुत अच्छा था. Yes. लोगों को काफ़ी पसंद है. ये 22 का जो ईयर था, इट वॉज मुनावर फादर इवेंट, पब्लिक का इतना प्यार मिलता है एज यू हैव सीन. 2023 के लिए किस तरह से प्लानिंग की है मुनावर ने? बिल्कुल, मैं बहुत फनी लगेगा, मैं कल नहाते वक्त ही सोच रहा था, अपने दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, तो मैं सोच रहा था ऐसा कि 22 में हमने कॉमेडी ये कर लिया था, 21 में कॉमेडी कर लिया था, 22 में डिजिटल रियलिटी शो कर लिया था, अब 23 में ये कर रहे हैं हम. तो मैं अभी बस बहुत ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहता, बट 23 में कुछ है
और एक चीज़ है जो टेक ओवर कर रहे हैं. अब आप हाल ही में एक पिक्चर डाली थी शहनाज की, वन एट कम्युनिटी में, कुछ आने वाले समय में शहनाज जुनावर के बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता. शी इज़ वेरी टैलेंटेड एंड वेरी क्यूट और बहुत अच्छी इंसान है वो. और मैं जब उनसे पहली बार मिला तो मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ उनसे मिल के. शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी गुड काइंड हार्टेड. तो उस वजह से और वो फोटो मुझे इतना अच्छा लगा तो मैंने वो अपलोड कर. दूसरा सवाल है कि मुनव्वर काफ़ी गाने आए बट अंजलि के साथ आपका गाना अंदर हमने देखा काफ़ी. मेरे काफ़ी गाने नहीं आए, दो ही आए. दो ही आए जो काफ़ी रॉकिंग हुए बट अंजलि के साथ गाने की मांग काफ़ी है फैंस की. मेरे को तो नहीं आ रही. अगर कुछ अगर कहना चाहो तो डेफिनेटली अगर कुछ ऐसा हुआ साथ में काम करने वाला गाना या ऐसा कुछ अप्रोच हुआ तो डेफिनेटली आई डोंट माइंड डूइंग इट. बट ऐसा कुछ आया नहीं और मैं गानों को लेके काफ़ी सिलेक्टिव हूँ. रीज़न के मेरा वो काम नहीं है. आई डोंट थिंक कि मैं एक्टर हूँ तो मैं इतने सारे गाने करूँ. तो वो एक्ट्रेस है तो उनको ज़्यादा गाने करने हो, बट मैं एक्टर नहीं हूँ तो मैं कम करता हूँ. खुशी का थोड़ा शौक है इसलिए कर लेता हूँ. तो अभी तो शायद अभी कोई म्यूज़िक वीडियो कर भी नहीं रहा हूँ तो दूसरा काम आ रहा है. तो अभी उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ कि लोग वो देखें पूरा साल. मुनव्वर आपने हाल ही में पोस्ट भी किया था सुम्बुल साजिद पे, बिग बॉस आप देख रहे हो हमें पता है. साजिद पे आपने मीटू का कुछ डाला था, सुम्बुल पे भी आपने डाला, शालीन पे भी डाला था. क्या क्या लगता है आपने देखा रहेगा गेम फिर ही आपने उस पोस्ट किया रहेगा? मैंने कोई भी किसी के बारे में भी कुछ भी लिखा मैंने गेम देख के नहीं लिखा था. मैं क्लिप्स थोड़े बहुत देखता था पार्ट्स में और उस पर से मैंने जो दिखाई दिया और मैंने एक ह्यूमर वे में ट्वीट्स किए थे. सो आई थिंक इट्स नॉर्मल. और इसके अलावा आपके फैंस काफ़ी डिसअपॉइंट थे, वो घर में आपको देखना चाहते थे, झलक खतरों इसमें भी देखना चाह रहे थे, खतरों में इनफैक्ट आपके इंटरव्यूज भी हुए थे. हाँ. बट कुछ अनफॉर्चुनेटली आपको नहीं देख पाए, फैंस काफ़ी डिसअपॉइंट है. मुनव्वर आपने बस उसके बाद किस तरह रियलिटी शो की तरफ मुनव्वर देख रहे हैं? कभी कभी ऐसे फील होता है कि ओके आई वॉन्ट टू बी देयर, क्या मैं 24 घंटा तुमको दिखूँ. कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं थोड़ा रुक के रखूँ, देखने सब मिलेगा. तो फिर एंड में यही सोचता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि जब भी मुझे कुछ नहीं मिला है ऊपर वाले ने उससे बड़ी चीज़ मेरे सामने रख दी है. तो 2023 जो आने वाला इंशाल्लाह ईयर है उसमें बहुत सारी बड़ी चीज़ें आ रही है जो मैं अपनी ऑडियंस को लेकर आया. वो तब की बात है, तब फाइनल होगा. बट जो मैं काम कर रहा हूँ अभी जिस प्रोजेक्ट पे जनवरी में, वो जनवरी में पता चल जाएगा. तो दैट आई एम वेरी एक्साइटेड. सबसे पहला प्रोजेक्ट क्या आने वाला है एक और न्यू ईयर और हैप्पी न्यू ईयर और क्रिसमस की विशेष सबके लिए बहुत सारा प्यार सबको. और पार्टी करो, घर वालों के साथ ज़्यादा पार्टी करो और ड्रिंक एंड ड्राइव मत करना बस, बाकी तो सब चल है. Page if you want to know about the social media industry, Bollywood, etc., etc. Plus, it started by my very dear friend Karishma. So I'm looking forward to what Clap Clap is going to do next. मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सभी का जो 2023 है वो हर साल से better जाए इंशाल्लाह. May God bless you with lots of happiness, good health, and whatever you want.